बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले पंजाब में बहुत ही शौक से खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। वैसे तो करेले बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से ये कुछ ज़्यादा ही मज़े के बनते हैं। तो बहुत दिनों से एक बहन ने फरमाइश की हुई थी, बस कभी कुछ बनता रहता था, तो इसकी आज बारी आई है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए, तकरीबन 1.25 किलो के करीब मेरे पास ये करेले हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, और करेले बहुत बड़े साइज़ के नहीं लिए, दरमियाने साइज़ के लिए। मेरे पास ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन तकरीबन 1 किलो मेरे पास ये कीमा है, बारीक पीसा हुआ कीमा है, और जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, और 3 टमाटर हैं, लहसुन है, और हरी मिर्चें हैं, थोड़ा हरा धनिया भी हम शामिल करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें कीमे में डलेंगी और करेले की फिलिंग। हमारे घरों में जो कीमा भरे करेले बनते हैं, उनके साथ हम लोग एक मसाला भी तैयार करते हैं, तो उसके अंदर फिर इनको फ्राई करके उसके अंदर रख के फिर हम दम देते हैं, उससे इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज मैं आपसे अपने स्टाइल में ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी मज़े की रेसिपी लगेगी। तो आए हम लोग ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को नमक लगा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी हम ये चीज़ें साइड पर कर देते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेलों को छील लेते हैं और इनको नमक लगा के रख देते हैं। करेलों को बिल्कुल हल्का हल्का छीलना है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं इनको नहीं छील रही हूँ, और ये जो इसके छिलके भी हैं इनको भी मैंने वेस्ट नहीं करना है, इसको भी हम मसाले में शामिल करेंगे ताकि मसाले में भी करेलों का टेस्ट आए। बिल्कुल हल्का हल्का हम इन्हें छील के रखते जाएंगे। करेलों को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं छीलना चाहिए, बहुत ही अफादियत वाली ये सब्ज़ी है, बहुत ही फ़ायदेमंद शुगर के मरीजों के लिए, और जिनको यंगस्टर्स जिनको पिंपल्स वगैरह निकलते हैं या जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप करेले गोश्त के साथ बनाएं, कीमे के साथ बनाएं, आलू के साथ बनाएं, फिर भी इतनी टेस्टी लगती है। हर तरह से ये सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है जो कि नुकसानदेह नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद है। हम इसको नमक लगा के रखेंगे, एक दो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके बीज अब हमने निकाल देने। इसके अंदर हम छिलकों में बीज नहीं डालते, इनको हम अलग रख लेते हैं, क्योंकि इनकी हमें छिलकों की ज़रूरत है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने नमक किस तरह लगाना है, फिर मैं बाद में बाकी भी तैयार कर लूँगी। ये नमक लेके ऐसे अंदर भी लगाना है और बाहर भी अच्छी तरह आपने नमक इसके लगा देना है, अंदर भी अच्छी तरह इसके नमक यूँ मल के, तो आपने साथ इसको रखते जाना है, ठीक है। इसी तरह सब करेलों पे हम अच्छी तरह नमक लगा के मल के तकरीबन 1-1.5 घंटा हम इसको रख देंगे, और फिर बाद में हम इनको वॉश करेंगे। इसको अब हम 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं, और अब हम कीमे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये देखें, प्याज मैंने इस तरह जैसे आम हम काटते हैं वैसे काट लिए, और अब हम इसको थोड़ा छोटा चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है आप चॉपर में इसको फेर लें, प्याज टमाटर हरी मिर्चें लहसुन अदरक, तो नहीं तो चॉपर नहीं है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ब्लेंडर में आपने इसको नहीं पीसना, ठीक है। ये थोड़े से कट गए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको ऐसे ऐसे ना
आपने बिल्कुल बारीकी से चॉप कर लेना प्याजों को, बिल्कुल इनका कचरा कर देना है आपने प्याजों का, ताकि ये कीमे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह, मोटे मोटे नहीं नजर आने चाहिए। मसाले के लिए हम थोड़े से मोटे काटेंगे, लेकिन कीमे में मिक्स करने के लिए हमें ऐसे ये बारीक चाहिए। अगर चॉपर है, चॉपर में तो फिर बहुत ही आसान काम है। आप ऐसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो गीले गीले प्याज आते हैं तो वो बार बार हाथ से स्लिप होते हैं, तो हाथ कटने का डर होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, ये देखें मैंने बिल्कुल प्याज बारीक कर ली है। अभी इससे भी ज़्यादा मैं बारीक करूँगी, तो अगर मैं आपको दिखाती रही तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो बस थोड़ा सा मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी भी मैं कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये कीमा मैंने टोकरी में आप देख रहे हैं मैंने निकाल के रखा हुआ था काफ़ी देर से, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये एक बड़े बॉल में हम मिक्सिंग शुरू करते हैं। ये कीमा मैंने बड़े बॉल में शिफ्ट कर लिया है, साथ ही ये आप देख रहे हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, साथ में प्याज का भी मैंने अच्छी तरह जो है कचूमर बना लिया है, टमाटर भी बारीक बारीक और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक करके, तो अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज मैंने दो बड़े साइज़ के आपको बताए थे, लेकिन डेढ़ ही इसमें गए हैं, मुझे काफ़ी लग रहे थे तो मैंने डेढ़ प्याज इसमें डाला है, यानी कि आप दरमियाने साइज़ के तीन प्याज इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने ज़रा हल्का ही डालना है, कि मैं एक टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि करेलों में भी हमने काफ़ी नमक लगा दिया है। और एक टीस्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और एक टीस्पून ही ये कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधी चम्मच हल्दी का, और ये एक टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और एक टीस्पून पाउडर फॉर्म में है, ये भी इसमें डाल देंगे। साथ एक टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें आटा शामिल करते हैं, आम घर का आटा या आप बेसन भी ले सकते हैं, मैं आम घर का जो आटा होता है रोटी वाला वो इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, ताकि इसके अंदर जो फालतू मॉइस्चर होगा वो इसे जज़ब कर लेगा और ज़्यादा पानी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है कीमे का पानी निकल गया है लेकिन सब्जियों का पानी अभी निकलेगा, क्योंकि इसमें वो है टमाटर वगैरह हैं, अगर मैं उनको नचोड़ देती तो वो सारा उसका टेस्ट निकल जाता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया। अब हमने इसको पकाना नहीं है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं साइड पर कर देती हूँ, और अब हम करेले जो है उनको धो लेते हैं अच्छी तरह। तो हमने इसको पकाना नहीं है, हम कच्चे की फिलिंग करेंगे उसमें करेलों में, उससे ये होगा कि स्टीम में पकेंगे और बहुत ही मज़े का ये फिर इसके अंदर का कीमा होगा, ऐसे आपको लगेगा जैसे आप कबाब बना रहे हैं। तो बस इसको मिक्स करके साइड पे कर देते हैं। अब हम करेले देख लेते हैं, पानी डाल दिया है तो आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको मैं पानी टूटी के नीचे करके अच्छी तरह ऐसे ऐसे मल के अच्छी तरह धोऊंगी। नीचे एक टोकरी रख लेंगे, क्योंकि जो हमने छिलके उतारे थे वो इसके साथ ही नीचे हैं, ताकि उनको भी नमक लग जाए और वो भी साथ ही वॉश हो जाए अच्छी तरह, उनकी कड़वाहट निकल जाए। तो अब अच्छी तरह हम इनको ऐसे मल मल के तो धो के तो अच्छी तरह नचोड़ लेते हैं, और फिर आपको इस तरह नचोड़ के तो टोकरी में रखते जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हमारा कीमा भी तैयार है और करेलों को भी धो के मैंने अच्छी तरह दबा के यूँ नचोड़ लिया था, ताकि इसका सारा पानी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो अब हम इसमें फिल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने इसकी फिलिंग किस तरह करनी है। इस तरह कीमा, कच्चा ही कीमा हम इसमें भर रहे हैं, पका के नहीं भर रहे। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कच्चा कीमा आप भर के देखिएगा, बहुत ही मज़े का ये करेले बनते हैं।
ये स्टीम में पकेंगे। जिस तरह हम फॉइल में चिकन को या कबाबों को पैक करके फॉइल में स्टीम देते हैं, इसी तरह ये हम करेलों को, ये कीमे को करेले में पैक करके तो हम स्टीम देंगे। ये इस तरीके से मैं इसको सी रही हूँ, आप ये देख रहे हैं, सुई में धागा डाल लिया और इस तरह सी रही हूँ मैं। ऊपर लपेटने से ये है कि कीमा श्लिंग जब होता है तो वो ऊपर से धागा खुल जाता है और उसको अनपैक करना भी ज़रा मुश्किल होता है। इतना धागा खोली जाओ तो ये ज़रा ना आसानी से खुल जाता है। ये जब बन जाएंगे, तैयार होंगे, मैं फिर आपको खोल के दिखाऊंगी। अब ये सिल गया तो एंड पे फिर हम ये यूँ गिरा लगा देंगे, यानी कि ये काम वही औरतें कर सकती हैं जिनको के सिलाई आती हो, सुई में धागा डालना और बटन शटन लगाने आते हैं। ये देखिए मैंने ये धागा काट दिया यहाँ से, ये हमारा करेला सिल गया। बड़े बड़े खुले खुले टांके लगाने, ये हमने कमीज की तुरपाई नहीं करनी है, बारीक बारीक। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ इसी तरह। अच्छा, अच्छी तरह आपने ज्यादा ज्यादा कीमा भरना है, क्योंकि पकने से इसमें सब्जियां हैं उनका सारा पानी ड्राई होगा, कीमे का पानी, तो ये श्रिंक हो जाएगा तो फिर अंदर कीमा थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे खुले खुले टांके हैं, इसको भी इसी तरह हम बना लेते हैं। ये धागा यहीं पे खत्म हो गया, इसको हम यहाँ पे गिरा लगा के दूसरा धागा डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें हमारे करेले सारे भर गए हैं और इनकी सिलाई भी हो गई है, और ये जो बाकी कीमा बच गया है इसको हम अब मसाले में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, तो इसमें अभी फ़िलहाल मैं सारे करेले शामिल कर दूँगी। और आग मीडियम रखनी है, बहुत लो नहीं रखनी है, क्योंकि अभी इसमें इन सब में पानी छोड़ना है। तो अब इस वक्त जितने आते हैं इसमें करेले मैं डाल देती हूँ, आधे आ गए हैं, आधे हम बाद में इसमें शामिल करेंगे, और हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। रहमान रहीम, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में दूसरी देगची में डाल दिया है। इसमें ये प्याज काट के, दो बरमियाने साइज के प्याज हैं, ये मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। इनको हमने हल्का सा बस सॉफ्ट करना है और फिर हमने इनको निकाल लेना है, इनको ढकना नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, इनकी मैंने हल्की सी साइड चेंज की है और दोबारा से मैंने इनको ढक के रख दिया। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं, अब ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे मैंने आलू चॉप किए हुए हैं। एक बड़े साइज का या दो दरमियाने साइज के आलू लेके आपने वो अभी सॉइल में डाल देने हैं, साथ ये दो चुटकी जितना नमक डालना है। नमक बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि करेलों में नमक लगाया था, इसमें से काफ़ी निकलेगा। तो इसको अब हम हल्का हल्का फ्राई करके इसको निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख लेते हैं ढक्कन हटा के अपने करेलों को, देखें फ्राई होना शुरू हो गए हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं हम। व्यूअर्स, ये देखें हमने प्याज निकाल लिए थे, अब ये आलू भी हो गए हैं, आलू भी हमने पूरे सुर्ख नहीं किए, इनको भी निकाल लिया। अब ये हमारे पास वो करेलों के छिलके हैं, इनको भी अच्छी तरह धो के निचोड़ लिया ज़ोर से। अब इस ऑयल में हम ये डाल देंगे, इनको अब हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। इनको अब हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और दूसरी साइड पे हम करेलों को चेक कर लेते हैं, देखें तकरीबन हमारे ये करेले तैयार हैं। इनको जहाँ से थोड़ी कसर रह गई है ये भी करके
तो फिर हम इनको भी निकाल लेते हैं और अब हम दूसरे बाकी के करेले इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें, ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको हमने ब्राउन नहीं करना और ये भी मैंने निकाल लिए हैं इसमें। अब हम इस ऑयल में क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कीमा था बचा हुआ ये डाल देंगे और हल्की आंच पे ढक के इसको गलने के लिए रख देते हैं। ये देखेंगे और इसमें मैंने ये डाल दिए, इसमें प्याज टमाटर आपको पता है सब कुछ मसाले वगैरह शामिल हैं। अभी हमने मज़ीद मसाले नहीं शामिल करने, इसको हम ढक के रख देते हैं। जब ये हमारा कीमा गल जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे कि और मसालों की ज़रूरत है तो फिर हम ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्की आँच पर गलने के लिए रख देते हैं। बेहद ये हमारा कीमा जो है गल गया हुआ है, इसकी भुनाई भी लेकिन साथ ही हो चुकी हुई है। तो अब हमने नमक मिर्च मैंने चखा है इसमें कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो है सूख मिर्च। आप भी अपने हंसते जायका जो है इसमें मसाले मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा हम भूनते हैं। साथ ही ये देखें, मैंने वो जो सब्जियां फ्राई की हुई थी साथ मैंने दो टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दिए हैं, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसका ये सालन आप अलग से भी बनाएं, घरे हुए करेलों के अलावा भी अगर आप इस तरीके से बना के किसी दिन चेक करें, बहुत ही ये टेस्टी सालन बनता है। देखें करेलों का हमने छिलके भी ज़ाया नहीं किए हैं, इसकी कोई एनर्जी कोई उसमें जितनी भी एनर्जी थी हमने सारी इस्तेमाल किया, बिल्कुल ज़ाया नहीं की। अब हमने स्टेज पे इसमें ये भरे हुए करेले शामिल कर रहे हैं। ये मैंने इसमें जो करेले फ्राई किए हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। दो चम्मच मैं इसमें दो तीन टेबल स्पून भर के जो है, या आधी प्याली आप कह लें, मैंने इसमें दही का शामिल किया है। और अब मैं इसको मिक्स करके और हम इसको अब दम पे रख देंगे। देखें अब कुछ मैंने मिक्स कर दिया, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अब हम इसको दम पे रख देते हैं। 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे दम देना है और बस उसके बाद हमारा तैयार है भरे हुए करेले, तो इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स ये देखें हमारे करेले तैयार हैं, मैं अब आपको इन्हें खोल के चेक कराती हूँ। ये देखें धागा एक कोने से पकड़ा है हमने और इसको यूँ खींचा है, ये छिलका गल गया अच्छे से सॉफ्ट हो गया। और ये देखें एक हमने धागा खींचा और हमारा पूरा करेला उधर गया। अब हम आपको अंदर से चेक कराते हैं। ये देखें ये अंदर से इसके कीमा ऐसे निकला है, ये जैसे कबाब होता है, इसका टेस्ट भी ऐसे है जैसे स्टीम में आपने कबाब बनाए हुए हैं, बहुत मज़े का इनका टेस्ट है। करेले भी अच्छे से गले हुए हैं, आप इसको तोड़ के देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट टूटा है। ये देखें इसको नवाले में तोड़ना कितना आसान है, क्योंकि हमने इसको दरमियानी आँच पे ढक के पकाया, उससे कीमा भी हमारा अच्छी तरह गल गया और करेला भी गल गया। ये देखें व्यूअर्स ये अब मैंने डिश आउट कर लिया है, आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही प्यारी लुक है, बहुत ही मज़े का सालन है। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कीमा भरे करेले इस रेसिपी से बना के चेक करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में ऐसे ही हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।